भैया लास्ट क्लास में पूरी थ्योरी हमारी कंप्लीट हो गई थी, ठीक है भैया, इस चैप्टर की। आज न्यूमेरिकल पे न्यूमेरिकल, दे न्यूमेरिकल, दे न्यूमेरिकल, ठीक है भैया। यहाँ पर एक चीज देख, यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है मैंने, यहाँ पे इसे ध्यान से देखिए, इसको इसको देखिए, ठीक है भैया। यहाँ पे कई बार ट्रांजिशन में, क्वेश्चन में जब ट्रांजिशन होता है, ठीक है भैया, तो अगर बोलेगा अल्फा ट्रांजिशन, एच अल्फा, एच अल्फा मतलब होता है हाइड्रोजन एटम के अंदर अल्फा ट्रांजिशन हुआ है, और अल्फा ट्रांजिशन का मीनिंग होता है पहले ऑर्बिट से कहां पे, सॉरी दूसरे ऑर्बिट से कहां पे है भैया। बीटा ट्रांजिशन का मतलब होता है तीसरे से कहां, समझ गए, सॉरी अरे मतलब ये तो एग्जांपल रखा है, दो तीन और ये क्या हो गया भैया, चार। तो बीटा ट्रांजिशन क्या हो गया, अगला ट्रांजिशन, समझ गए भैया। तो ये ध्यान रखना, अभी क्वेश्चन करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है भैया। आगे बढ़ते भैया, क्वेश्चन निकाल लीजिए, जो क्वेश्चन 15-16 क्वेश्चन मैंने व्हाट्सएप पे भेजे थे वही कराएंगे, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में रखे हैं, ठीक है भैया। चलो भैया स्टार्ट करते भैया, क्वेश्चन बोल मत यार, देख मेरा तेरे पे दिमाग खराब है, यार मार मुड़ दूंगा ढंग से तो फिर तो बोल, तुझे कह रहा हूँ शुगर, चुप हो जा, बोलेगा चुप हो जा। नहीं भैया ये तो नहीं आई थी, घटिया क्वेश्चन है, सीबीएसई 1993 में आया था, ठीक है, 1993 में। कह रहा भैया व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट, थर्ड नंबर कितना ऑर्बिट का, थर्ड है, क्या निकालना है, एंगुलर एन एच अपॉन में 2 पाई, एन क्या है भैया 3, एच क्या है भैया 6.67 मीटर की पावर माइनस 34 अपॉन में 2 पाई की वैल्यू क्या होती भैया 3.14, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भैया क्वेश्चन पहला हो गया, दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है भैया, चलो ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, कह रहा राइट डाउन द एक्सप्रेशन ऑफ रेडियाई ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ स्मॉलेस्ट ऑर्बिट, सबसे छोटा ऑर्बिट, सबसे छोटा ऑर्बिट और कौन सा होगा हाइड्रोजन एटम का, फर्स्ट ऑर्बिट क्या होगा, सारे मर जाएगा खाम का ही मेरे हाथों से, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4π² एम के जेड स्क्वायर, ये क्या हो गया रेडियस होगी एक्सप्रेशन की, आपको फर्स्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम, फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट यानी एन वन इक्वल्स टू में एन इक्वल्स टू में वन और जेड इक्वल्स टू में हाइड्रोजन है, तो इसलिए क्या होगा वन, सारी वैल्यू डालिए सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आएगा 0.53 एंगस्ट्रम, याद है, ये था क्वेश्चन हो गया। अगला ये कब आया था, सीबीएसई दिल्ली 1994 में आया था, 1994 में आया था, ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन करते हैं भैया, अगला एनसीईआरटी क्वेश्चन है, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन इक्वल्स टू में थर्ड ऑर्बिट है, हीलियम आयन है, हीलियम हीलियम आयन है और आपको इलेक्ट्रॉन की स्पीड निकालनी है थर्ड ऑर्बिट में। तो भैया निहायत ही घटिया क्वेश्चन है, ठीक है भैया। अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था भैया पहले रेडियस बताई थी, रेडियस की वैल्यू आपको पता ही है, स्पीड क्या होगा भैया एन क्या था भैया एन एच अपॉन में, स्पीड निकालिए ना भैया एन एच अपॉन में 2π, देखो ना आपको याद है एम वी आर इक्वल्स में क्या था एन एच अपॉन में 2π, यही था। तो भैया आपका क्या निकालना है वेलोसिटी, तो एन एच अपॉन में 2π एम आर, आर की वैल्यू यहां से ठोक दीजिए इसके अंदर, आंसर आ गया, ठीक है भैया। यहाँ पे जेड की वैल्यू जो आएगी इसके, आर की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, ठीक है भैया, ये यहाँ पे पुट करना, आर की जगह ये पुट करना, ठीक है भैया, ये वाली वैल्यू। तो भैया यहाँ पर जो एन आएगा वो तो आपका क्या रहेगा 3 और जो जेड रहेगा वो क्या रहेगा भैया आपका 2, कर लोगे भैया, क्लियर है, कर लोगे, कौन कौन कर लेगा ऑनलाइन में, ऑनलाइन में कौन कौन कर लेगा, अभी आसान क्वेश्चन चल रहे भैया, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, सबकी कॉपी में कल देखूंगा एक एक के, अभी मैं पूछूंगा भी, ये मत सोचना, ये मत सोचियो, अगला कह रहा भैया 10 किलोग्राम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है भैया, एक 10 किलोग्राम का सेटेलाइट है, सेटेलाइट का मास क्या भैया 10 किलोग्राम 10 kg है भैया सेटेलाइट का मास, एक चक्कर जो लगाता है वो 2 आवर में लगाता है, बोलो तो 2 × 60 × 60 सेकंड में लगाता है ये चक्कर, ठीक है भैया, टाइम पीरियड ऑफ ये 10 है, ठीक है भैया। कह रहा रेडियस अर्थ के सेंटर से जो रेडियस है उसका रिवोल्यूशन का वो भैया 8000 किलोमीटर है, मतलब इतना मीटर है ना, कहो भैया 8 × 10 की पावर 6 मीटर रेडियस आ गई। कह रहा भैया ये मान के चलिए कि भैया पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो बोर मॉडल को फॉलो कर रहा है, तो बताइए भैया कि
यहां पर क्वांटम नंबर फाइंड द क्वांटम नंबर, क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन की वैल्यू जो लगी होती है ना एनएच अपॉन में 2 पाई, तो वो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है भैया, तो एन की वैल्यू यहां पे निकालनी है आपको इसके लिए, मतलब जो जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन सॉरी सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहा है उसका क्वांटम नंबर क्या होगा भैया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एम वी आर इक्वल्स टू में एनएच अपॉन में 2 पाई, कोई दिक्कत नहीं। V कैसे निकला, तो भैया V पता है भैया 2 पाई R अपॉन में क्या होता है भैया T होता है, 2 पाई R, R कहाँ है भाई, ये रहा, T क्या है, ये रहा, कहाँ है, ये रहा। तो आगे वेलोसिटी यहाँ पे रखी है, H पता है, पाई पता है, N निकाल लोगे, कौन कौन निकाले, कौन कौन कर लेगा क्वेश्चन, खत्म हो गया, कौन कौन कर लेगा इस क्वेश्चन को, हाथ खड़ा कर लो फटाफट ऑनलाइन में, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, कहा गया इट रिमाइंड द, अब देखिए भैया कह रहा है ना ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इट्स बोर रेडियस इज गिवन बाय, ग्राउंड स्टेट में बोर रेडियस दे रखा है आपको भैया, ग्राउंड स्टेट मतलब पहली रेडियस की बात कर रहा है, ग्राउंड स्टेट में पहले हाइड्रोजन एटम है तो रेडियस दे रखा है आपको, इसने आर वन दे रखा है 5.3 × 10⁻¹⁻⁻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 
दूसरी रेडियस क्या होती भैया? 21.2 गुणे में 10 की पावर माइनस 11 मीटर। ठीक भैया, कह रहा भैया फाइंड फर्स्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक भैया, इस ऑर्बिट का जो ये दूसरा ऑर्बिट है इसका क्वांटम नंबर निकालना है, मतलब एन की वैल्यू निकालनी। क्या निकालना है? इसके लिए एन की वैल्यू निकालो, एन की वैल्यू निकालो। जेड क्या है भैया? आपका वन है। जेड क्या है भैया? रेडियस का फॉर्मूला पता है क्या है भैया? आर इक्वल्स टू में एन स्क्वायर एच स्क्वायर फोर पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। जेड वन है, एन निकालना है आपको। ठीक है भैया, ऑर्बिट की संख्या पता है और निकालनी है आपको रेडियस। क्या रखा भैया? आर टू रखिए, रेडियस आर टू, ये रेडियस यहाँ पे डालिए, सॉल्व कीजिए, आपका एन की वैल्यू जो आएगी वही आपका आंसर होगा। कर लेगा कौन? कौन कर लेगा? कर लेगा, इससे कोई मतलब नहीं है, आर वन से कोई मतलब नहीं है। कौन कौन कर लेगा इस क्वेश्चन को? ठीक भैया, ये डायरेक्ट रेडियस दे रखिए, आपको रेडियस का फॉर्मूला पता है, हाइड्रोजन एटम बोल दिया इसने, तो आपको भैया एन की वैल्यू निकालनी, कौन सी ऑर्बिट होगी। ठीक है भैया, तो वैसे तो ये पूरा नेचुरल नंबर में आएगा, क्योंकि मैंने बताया था भैया एन कभी फ्रैक्शन में नहीं आ सकता। ठीक है, ना नेगेटिव ना फ्रैक्शन, मतलब नेचुरल नंबर होगा। मिटो दो भैया, चलो चलो भैया, अब इसमें मदद चाहिए मुझे। कह रहा था ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इतना, यानी फर्स्ट ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है ना, उसी में क्या दिक्कत है? टोटल एनर्जी निकालने के लिए क्या दिक्कत है? टोटल एनर्जी का फॉर्मूला पता है आपको, सीधा निकाल दीजिए। हाँ, उसमें था और क्वेश्चन थे क्या? क्या कह रहा है? अच्छा, वहां पर जेड की वैल्यू निकालनी है मुझे, जिस ऑर्बिट में क्या उसमें जेड की वैल्यू निकालनी है। हाँ, उसमें जो भी है आसान है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। कह रहे हैं व्हाट इज, कह रहा भैया व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो भैया सेकंड एक्साइटेड स्टेट में और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी? 13.6 ईवी अपॉन में एन की वैल्यू क्या होगी भैया? ना एन की वैल्यू क्या होगी भैया? दो सॉल्व करोगे तो क्या है भैया? क्या था? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड एक्साइटेड स्टेट में। इतनी आपकी भैया क्या है टोटल एनर्जी है? क्या ये? ये है टोटल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी है। आपको क्या निकालनी है? काइनेटिक एनर्जी। तो याद होगा भैया काइनेटिक एनर्जी इज द नेगेटिव ऑफ टू टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। चलो भैया कोई, तो इसका क्या होगा? प्लस 3.4 इलेक्ट्रो वोल्ट आ गया। फिर क्या कह रहा भैया इसमें? व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो आपको पता है थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है भैया? याद है -1.5 इलेक्ट्रोवोल्ट होती है। आपको पोटेंशियल निकालनी है, ये टोटल एनर्जी रखी है। तो भैया पोटेंशियल इज द डबल ऑफ, ठीक है भैया, हाँ डबल ऑफ टोटल एनर्जी।
तो ये क्या हो गया आपका -3.5 ईवी के आसपास पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है भैया, फॉर्मूला याद है आपको, सीधा सीधा वो जो मैंने रिलेशन बताया था उससे डालिए, आंसर निकालिए, खत्म हो जाएगा। फिर कह रहा भैया इफ इलेक्ट्रॉन जंप्स टू ग्राउंड स्टेट थर्ड, देखिए भैया इफ इलेक्ट्रॉन जंप्स ग्राउंड स्टेट टू थर्ड एक्साइटेड, थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हुआ, जंप्स टू ग्राउंड स्टेट टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब ग्राउंड स्टेट से कहां जा रहा है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हो गया, पहली एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, ग्राउंड स्टेट वन होती है, सबको पता है। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हुआ, बिल्कुल हाँ हाँ निकिता सही है, फोर्थ, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट सेकंड ऑर्बिट होता है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट थर्ड ऑर्बिट होता है सेकंड, ठीक है, और थर्ड एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, फोर्थ ऑर्बिट होगा, ठीक है भैया। तो यानी पहला से कहां जा रहा है, चौथे ऑर्बिट में, ठीक है भैया। तो बोल रहा है क्या, बोल रहा है भैया आपको क्या निकालना है इसमें, वेवलेंथ, खत्म हो गया आपका रेड बार फॉर्मूला, वन बाय में आर सॉरी लैम्डा इज इक्वल टू आर वन एन वन स्क्वायर माइनस वन बाय में एन टू स्क्वायर। एन वन भैया देखा है पहला ग्राउंड स्टेट है तो वन होगा, एन टू क्या होगा भैया चार, थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब फोर्थ ऑर्बिट है। रेट पर कांस्टेंट की वैल्यू 1.1 इंटू 10^7 सॉल्व कर लीजिए, लैम्डा आ गया उसमें थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोला ना, ग्राउंड स्टेट से थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोल रहा है, तो एन की वैल्यू फोर तो लिखी है, इनटू इक्वल्स टू क्या कह रहा है इसमें, क्या बोला थर्ड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी निकालनी है क्या, अच्छा मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने थर्ड ऑर्बिट की बोला, अरे हाँ सॉरी ओए गलत हो गया, पहला इसके पार्ट में भैया सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है आपको, ठीक है भैया। फिर उसमें बोला थर्ड एक्साइटेड स्टेट की यानी फोर्थ की निकालनी है, फिर उसमें बाद में भी वेवलेंथ निकालनी, ठीक है भैया कर लोगे, थोड़ी गलती हो जाती है आगे पीछे हो जाते हैं, ठीक है बेटो कर लोगे भाई, मैं लिख रहा था मेरे को कह रहा माइनस आएगा, साढ़े सुअर बना दूंगा मार मार के, कहीं लड़कियों के आगे चलेगी तेरी, मेरी आगे चलेगी बेटो तो भाई। अब तेरे से पूछूंगा अगला क्वेश्चन, ध्यान रखियो, तेरा सूता बना दूंगा तेरे को। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम एनर्जी, इन्फिनिटी से कहां पे है सेकंड ऑर्बिट, तो भैया शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब है भैया एन वन क्या है फर्स्ट है, एन टू क्या भैया इन्फिनिटी हो, कहां भैया ठीक है भैया एन टू क्या हो जी भैया। अब हमें क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, भैया रेड बार फॉर्मूला लगाइए, ये आर वन बाय में क्या भैया एन वन स्क्वायर माइनस वन बाय में एन टू स्क्वायर, लैम्डा आ गया, ये लैम्डा क्या रहेगा भैया मिनिमम रहेगा, जब मिनिमम रहेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी भैया मैक्सिमम रहेगी, एनर्जी क्या रहेगी भैया ये भी मैक्सिमम रहेगी, कोई दिक्कत तो नहीं है, खत्म हो गया क्वेश्चन। अगला इसका कोई पार्ट है कोई, कौन कौन कर लेगा इसको, अगला कह रहा भैया क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है यूजिंग द रेडबर्ग फॉर्मूला कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन एंड बाल्मर सीरीज, ठीक है भैया। तो लाइमन और बाल्मर में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब मिनिमम एनर्जी बोल रहा है, तो भैया लाइमन की बात करूं, अगर मैं लाइमन की बात करूं तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जब होती है जब वो एन वन आपका क्या हो एक हो और एन टू क्या हो आपका दो, तो इसमें क्या होता है भैया मिनिमम एनर्जी निकलती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, ठीक है भैया। सॉल्व कीजिए, निकालिए भैया मैक्सिमम वेवलेंथ, इसको निकालिए सॉल्व कीजिए, ठीक है भैया। और बाल्मर में आपको क्या निकालना भैया, इसमें दो होती है एन वन और एन टू क्या होगा भैया तीन, चलो भैया सॉल्व करो फटाफट मेरे को आंसर बताओ अपना, मैक्सिमम वेवलेंथ निकालनी है मतलब मिनिमम एनर्जी, क्लियर है सबको, जल्दी से फटाफट को सॉल्व करो। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, कह रहा है कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, जाहिर सी बात है भैया शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी है लाइमन सीरीज की, यानी लाइमन सीरीज में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होती है, जब वह इलेक्ट्रॉन कहां से आता है इन्फिनिटी से पहले ऑर्बिट में, इन्फिनिटी से पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आएगा तो आपकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी, यानी उस वक्त मैक्सिमम एनर्जी और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है भैया। चलो इसी को दूसरे तरीके से पूछा गया है, कह रहा भैया कैलकुलेट द वेवलेंथ, ओए कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम्स जंप्स टू इन्फिनिटी टू
वन, कह रहा भैया इन्फिनिटी से लेके एन वन में जब इलेक्ट्रॉन आपका आ रहा है तो उस वक्त जो वेवलेंथ निकल रही है बताइए। तो जाहिर सी बात है, यही बात कर रहा भैया, इन्फिनिटी से अगर वन में आएगा तो लाइमन का मैक्सिमम एनर्जी वाला पोर्शन पूछ रहा है, यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला पोर्शन, यानी मिनिमम वेवलेंथ वाला पोर्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है भैया, अरे आ जाओ लेट जाओ, अगला कौन सा है? हाँ देखिए 29 वाला भैया, कह रहा भैया ध्यान दीजिए भैया, कह रहा भैया एच ई इज वैन एच ई सॉरी एच अल्फा लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज इन एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ऑब्टेन, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन। ओए चुप हो जा, हेलो कहाँ से? हाँ जी सर, हाँ जी सर, आ गए आप सर? 112/2 में आ जाइए, 112/2 में, 112/2 में आप लोहे का गेट है वो अंदर चले गए आप शायद 112 के बाद तो घर है ना 4573 है ना, वहां पे मत जाओ ठीक है, उससे पहले 112/2 पूछ लो, आपको बता दूंगा ठीक है ना, मैं मिल जाऊंगा वहीं वहीं पे हो ना, घर पे नहीं हो तुम 112/2। हाँ 125 फुट से एंट्री मारते 112/2 राइट साइड में, हाँ राइट साइड हाउस नहीं आप पहुंचोगे वही मेरा घर है। ठीक है ठीक, चलो भैया ठीक है भैया, तो आपको कह रहा है भैया अल्फा निकालना है, क्या निकालना भैया? अल्फा किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए अल्फा निकालना है। अल्फा एमिशन मतलब क्या हुआ? एन वन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए भैया? वन, और एन टू क्या होना चाहिए भैया? टू। एन टू क्या होना चाहिए भैया? वेवलेंथ निकाली निकाल लो भैया, चलो रेडबर्ग कॉन्स्टेंट 1/(n1)²-1/(n2)² कौन कौन कर लेगा भैया इसको? कौन कौन कर लेगा? एच अल्फा बाल्मर बोला तो बाल्मर निकाल दे, बाल्मर में ये क्या होगा? दो, और ये क्या होगा भैया? तीन। अबे कौन कौन कर लेगा? हाथ वाथ में पोलियो रखा है क्या तुम लोगों के? ठीक है चलो बेटो समझ गए भैया, अगर एच अल्फा फॉर बाल्मर तो ये होगा, एच अल्फा लाइमन के लिए क्या होगा भैया आपका? वन। ठीक है भैया समझ गया कैसे करना है बेटा, यहाँ पे एसएस मत खाया कर, एसएस से मुझे नफरत है, एसएस में तो जाता है स्वीटी सुपारी। टिकटॉकर है ये। ओए अगला कह रहा भैया 2017 रिसेंट में आया था, कह रहा भैया द शॉर्टेस्ट लिमिट, ओए कह रहा भैया शॉर्टेस्ट लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज, अच्छा शॉर्टेस्ट, अच्छा वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लिमिट फॉर लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज 913। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है मतलब मिनिमम वेवलेंथ है, तो मतलब मैक्सिमम एनर्जी वाला आ गया, यानी एन वन क्या होगा अभी आपका? एक, और एन टू क्या होगा अभी आपका? इन्फिनिटी। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ देता है ये। ठीक है भैया तो ये दे रखा है भैया 913.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है भैया, कह रहा है कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट लिमिट ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो कह रहा है भैया आपको शॉर्टेस्ट, समझ गए भैया, निकालना बाल्मर के लिए तो अब या तो कर, इसको तो लिखना ही नहीं था। एन टू इक्वल्स में क्या होगा भैया आपका? टू, और एन वन इक्वल्स में सॉरी एन टू इक्वल्स में क्या होगा? इन्फिनिटी। किसके लिए निकालना भैया? बाल्मर के लिए, तो बाल्मर के लिए हो गया, रेड बर्ग कॉन्स्टेंट निकालिए, आंसर निकाल दिया, सॉरी लैम्डा 1/ में लैम्डा फॉर्म लगाइए और आंसर निकल आएगा। कर लो भैया, कौन कौन कर लेगा इसको? लेको अभी लाइमन के लिए देख क्या, बाल्मर के लिए निकाल लो, खत्म हो गया। ये 1/ में आर की वैल्यू डी आई है, क्या क्या करिए चलो कोई नहीं बात। ठीक है देखिए मिटोरो भैया, अगला क्वेश्चन देखिए भैया, इस चैप्टर से बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं। और देखिए भैया अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इन द हाइड्रोजन एटम, पहली एक्साइटेड स्टेट में है कौन? इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब कि कहां जा रहा है भैया? एन वन, वन है और एन टू, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है भैया,
और एन टू क्या होगी भैया आपका दो, ये टू क्या भैया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, थ्री क्या होगी सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऐसे, ठीक है भैया। तो कह रहा भैया आपको वेवलेंथ निकालनी, निकाल लोगे भैया कौन कौन निकाल लेगा, निकल आएगी मैं कौन कौन कर लेगा, हाथ मत खड़ा कर लिया करो, ठीक है चलो। अब देखिए भैया ओए क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है भैया क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, मिटो रहा हूं इसको, कह रहा भैया एक 12 पॉइंट भाई प्लीज बोली नहीं, अब 12.9 इलेक्ट्रो वोल्ट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is used to bombard gaseous hydrogen at room temperature, ठीक है भैया, up to which electron, देखिए up to which level of the hydrogen atom would be excited, calculate the wavelength of the first member of the Paschen series and first member of the Balmer series, ठीक है भैया। खैर चलो ये तो खैर पहले ही बात है, पहले देखते भैया कि हमने कितनी देखी भैया, पहले ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती भैया 13 पॉइंट, हम जानते भैया वी नो 13 पॉइंट माइनस थे, माइनस होती है सुगर, हमने कितने जोड़ दिए उसमें एनर्जी कितनी दे रहे इसको इस इलेक्ट्रॉन, पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी थी, हमने इसको कितनी एनर्जी बाहर से प्रोवाइड की, एक्स्ट्रा एनर्जी जोड़ रहे हैं इसी में, ठीक है भैया कितनी जोड़ रहे हैं भैया 12.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पॉजिटिव दे रहे हैं इसलिए पॉजिटिव है, जोड़ो तो कुल कितनी एनर्जी आ गई इलेक्ट्रॉन के पास, कितनी टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल ई नेट लिख दो, ई नेट ये गिवन है, ये गिवन एनर्जी है, ये थी उसके पास, ये गिवन है, तो नेट एनर्जी कितनी बचेगी भैया बताइए, 0.07 ईवी इलेक्ट्रोवोल्ट माइनस, है ना इतनी पक्की बात है ना अगर हाँ सही है, ठीक है भैया इतनी होगी। अब कह रहा भैया कि ये कौन से, ठीक है भैया किस हाइड्रोजन लेवल पे जाएगा, मतलब कहाँ पे जा सकता है ये, ठीक है भैया चलो लिखते भैया किस पे, तो इसको लिख दीजिए -13.6 ईवी अपॉन में एन स्क्वायर इक्वल्स टू में एनर्जी कितनी भैया 0.7 ईवी माइनस माइनस ही रहा, माइनस से माइनस क्या हुआ कैंसिल, ईवी से ईवी कैंसिल हो गया, एन स्क्वायर इक्वल्स टू जो भी आएगा आपका एन की वैल्यू निकाल लोगे, इस ऑर्बिट में जाएगा ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है भैया इस ऑर्बिट में जाएगा, ठीक है कौन कौन कर लेगा भैया इसको, देखिए भैया पहले स्टेट में पहले फर्स्ट ऑर्बिट में इतनी एनर्जी थी, हाथ खड़ा कर लीजिए भैया जो कर लेगा, उसको इतनी एनर्जी थी तो उसके पास कुल इतनी एनर्जी आ गई, अब ये एनर्जी किस ऑर्बिट की है, तो भैया जिस एन की वैल्यू आ गई वही आपका सही आंसर है, क्लियर है क्वेश्चन, समझ में आ गया, समझ में आ गया किसको किसको, क्लियर है क्लियर है क्लियर है, चलो भैया। अब कह रहा भैया कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ पाश्चन सीरीज, फर्स्ट मेंबर ऑफ पाश्चन सीरीज क्या है, फर्स्ट मेंबर ऑफ द पाश्चन में कि पहले ऑर्बिट से लाइमन बालमर पाश्चन तीसरे से चौथे में, क्या मेरे ख्याल से इसकी बात कर रहा है, ठीक है भैया इसी का मतलब होगा, एक बार डालिए फर्स्ट मेंबर ऑफ पाश्चन सीरीज का मतलब क्या होता है, एक बार फर्स्ट मेंबर ऑफ पाश्चन सीरीज